कनवाल रोड पर भद्रोया के पास एक अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हत्या कर लाश को जलाने की कोशिश की है, मगर रात में हुई बारिश की वजह से आग ठंडी पड़ गई और लाश अधजली रह गई। सबसे पहले गांव वालों ने इस लाश को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी गई। नूरपुर के डीएसपी छुट्टी पर होने की वजह से मौके का जायजा लेने के लिए ज्वाली के डीएसपी मेघनाथ चौहान भी पहुंच गए। शुरुआती जांच में पता चला कि लाश किसी युवक की है और शक है कि उसकी हत्या करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर वारदात पर बुलाया गया है, जो शक से जुटाएगी। गौर रहे कि भद्रोया इलाका नशे के कारोबारियों के लिए विख्यात है। डीएसपी मेघनाथ ने पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह फोन आया कि भद्रोया में अधचली लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। धर्मशाला से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। हमें यहां से एक सुरेश नाम लड़का है, यहां भद्रोया का है, उसका टेलीफोन आया था थाने में कि एक भद्रोया जो अंदर डमराल रोड को रास्ता जाता है उस पे एक जली हुई अवस्था में अजली अवस्था में एक लाश पड़ी हुई है, जिस पर मौका पे आए तो देखा है कि अजली लाश है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हमने सारे अड़ोस पड़ोस के बीच में पठानकोट है, अडवनी जो है, बाकी अपने पुलिस स्टेशन इंदौरा वगैरह धर्मशाला सारे हमने कंडक्ट किया है कि कहीं से किसी को मिसिंग तो नहीं है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला। आरएसएल टीम जो है हमने धर्मशाला से बुला ली है, जो मौका कर रही है वो करके, फिर भी इस पे ऐसा है, ऐसे लग रहा है कि भाई किसी ने इसको मार करके जलाया है, जिस पर हमने यहाँ जो है केस जो है वो आज ताजी रात 302 केस में केस रजिस्टर कर दिया और अब उसी